फ्रेंड मतलब ब्रेज आप देख रहे टेक्नरशिप चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो आपका ईमो किसी ने हैक तो नहीं किया, आपके ईमो को कोई हैक करके कोई दूसरा बंदा अपने मोबाइल में चला तो नहीं रहा। अगर आपका ईमो किसी ने हैक कर लिया है और कोई दूसरा बंदा अपने मोबाइल में ईमो चला रहा है आपका, तो आपको बहुत ही बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। देखिए आजकल हमारे मोबाइल में जो है ईमो होता ही है और हम अपने ईमो से जो है हम अपने घर पर रिलेशन में या फिर हम अपने दोस्त को फ्रेंड को सभी को वीडियो कॉल ऑडियो कॉल फ़ोन करते हैं या फिर हम उसे फ़ोटो भेजते हैं वीडियो भेजते हैं, वो भी हमें फ़ोटो वीडियो ऑडियो सभी कुछ भेजता है। तो वो फ़ोटो वीडियो जो हमें भेजता है अगर हमारा ईमो को हैक कर लिया रहेगा तो सभी फ़ोटो और वीडियो जो है जिसने हमारे ईमो को हैक किया होगा उसके पास वो फ़ोटो वीडियो सभी कुछ चले जाएगा और वो हमारे फ़ोटो वीडियो हमारे प्राइवेसी के साथ जो है कुछ भी कर सकता है। वो हमारे फ़ोटो वीडियो को लेके और वो इंटरनेट पर भी अपलोड कर देगा और अपलोड कर देगा तो आपको बहुत ही बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा जो हम कैसे चेक करें जो हमारा ईमो किसी ने हैक किया है या नहीं किया है। अगर हमारे ईमो को किसी ने हैक कर लिया और हैक करके कोई अपने मोबाइल में चला रहा है दूसरा बंदा, तो उसे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, यही सब मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो भले ही ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये वीडियो को आप एंड तक का देख लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो को एंड तक का देख लेते तो आपको मालूम चल जाएगा जो आपका ईमो किसी ने हैक किया है या नहीं किया। अगर आपका ईमो कोई हैक कर लिया है, कोई हैक करके दूसरा बंदा आपका ईमो चला रहा है, तो उसे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, उसके मोबाइल से हम ईमो को कैसे डिलीट करेंगे, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ हम कैसे चेक करेंगे जो हमारा ईमो किसी ने हैक किया है। अगर हमारा ईमो कोई दूसरा चला रहा है तो उसे हम कैसे उसके मोबाइल से डिलीट करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में ईमो को ओपन किया हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड का कोई ईमो ओपन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फ्रेंड को जो है यहाँ पर ये ईमो पर हम इसे एक मैसेज सेंड करेंगे, एक मैसेज इसे लिख के भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं हाई लिख लेता हूँ और इसके बाद ये फ्रेंड को जो है ये हाई लिख के सेंड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये मैं जैसे हाई लिख के भेजा हूँ तो उसके बाजू में देखिए एक डबल ब्लू टिक का निशान यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है जिसके पास ये मैसेज जो मैं भेजा हूँ उसके मोबाइल में इंटरनेट चालू है, डाटा ऑन है, इसलिए यहाँ पर डबल ब्लू टिक का मार्क आ रहा है। अगर उसके मोबाइल में जो डाटा बंद रहता, इंटरनेट ऑफ रहता, बंद रहता, तो यहाँ पर क्या होता, सिंगल ब्लू टिक का मार्क रहता। तो ये पॉइंट की बात है, आपको ये समझने की बात है, मैं जो बता रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर देखिए अभी उसका डाटा ऑन है इसलिए डबल ब्लू टिक आया हुआ है। अगर उसका डाटा ऑफ रहता, इंटरनेट बंद रहता, तो सिर्फ सिंगल ब्लू टिक जो है लगा रहता। और फिर इसने मेरा मैसेज अगर वो पढ़ लिया रहता, रीड कर लिया रहता, तो यहाँ पर एक गोल आइकॉन सा यहाँ पर आ जाता डबल टिक के जगह पे। तो ये तो हो गई एक पॉइंट की बात। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप अपने फ्रेंड का, आप अपने दोस्त का एक मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, और आप अपने दोस्त का मोबाइल लेके उसका ईमो ओपन कीजिए और फिर क्या कीजिए, आपका जो मोबाइल है आप अपने मोबाइल का इंटरनेट डाटा ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और आप अपने दोस्त का मोबाइल लेके उसका ईमो ओपन करके और वो ईमो के अंदर आप हाई लिख के या हेलो लिख के कुछ भी लिख के आप अपने ईमो पे सेंड कीजिए, आप अपने ईमो पे भेजिए। जो ईमो का, जो मोबाइल का जो डाटा इंटरनेट बंद करके रखे उस पर हाई या हेलो लिख के भेजिए। अगर डाटा बंद है, इंटरनेट बंद है, फिर भी आप हाई और हेलो लिख के कुछ भी ऐसा लिख के भेजे और वहाँ पर जो है डबल टिक का निशान आ गया, डबल ब्लू टिक का निशान आ गया, तो ये समझो भाई जो आपका ईमो किसी ने हैक किया है। और वहाँ पर अगर गोल आइकॉन आ गया तो समझो 100% जो है जो आपका ईमो किसी ने हैक किया है। जो क्योंकि आपने तो अपने मोबाइल का डाटा इंटरनेट बंद किया है, फिर भी आप अपने ईमो पे, आप अपने दोस्त के ईमो से मैसेज भेज रहे हैं तो डबल टिक का निशान आ जा रहा है, गोल राउंड सा निशान आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है जो आपका ईमो किसी ने हैक कर लिया है, कोई आपका ईमो कोई अपने दूसरा मोबाइल में चला रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझ जाना जो आपका ईमो हैक हो गया है। तो अब ये एक ये बात हो गई, अगर आपका ईमो
हैक हो गया हुआ है, तो अब हम इसे बचेंगे कैसे, इसे छुटकारा हम कैसे लेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बैक आना है और इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए एक थ्री लाइन का आइकन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सेटिंग दिख रहा है, तो सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए ईमो अकाउंट सेटिंग लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है डिलीट ईमो अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप जो नंबर से ईमो अपना चालू किए हैं, जो ईमो आपका हैक हो चुका है, वो ईमो का नंबर यहाँ पर आप डालिए, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर डाल के और ये ईमो अकाउंट को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है यहाँ से। और उसके बाद फिर आपको वही मैसेज, कुछ भी ऐसा मैसेज लिख के भेजना है, फिर आपको चेक करना है जो वहाँ पर डबल ब्लू टिक का निशान आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर फिर भी आएगा तो आप क्या करना है, ये तो ईमो को डिलीट कर दिया अकाउंट को, उसके बाद आपको क्या करना है, ये ईमो को ही डिलीट कर देना है आप अपने मोबाइल से। ईमो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करना है, अपने मोबाइल को जो है फिर से स्विच ऑफ कर लेना है और स्विच ऑफ को फिर खोल के उसके बाद फिर से नया ईमो जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नया वही नंबर से फिर से दोबारा से आप चालू कर लेना, उसके बाद आपका ईमो जो है कोई भी हैक किया रहेगा तो वो जो उसके मोबाइल से जो है वो हट जाएगा, मैं 100% बोलता हूँ, जो उसके मोबाइल से बिल्कुल हट जाएगा, आपका ईमो जो है एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसा करके आप जो है बच सकते हैं, कोई भी अगर आपका ईमो हैक किया है तो ऐसा करके जाके चेक कर लीजिए जो मैं बताया हूँ।